पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अरती मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। जंतर मंतर को जाने वाले सभी इलाकों को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है। रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर भारी फोर्स तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सिंधु टिकरी बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। ये झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं इस वक्त बॉर्डर पर और पुलिस के साथ झड़प हुई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। दिल्ली में कई जगह मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं। मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस ने अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी है और हरियाणा से सटे यूपी के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो किसानों का यह आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है और दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो चुका है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की एक क्रांति, वहीं पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसानों को कंट्रोल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है प्रशासन, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं और देश का अन्नदाता आज एक बार फिर सड़कों पर नजर आ रहा है। लगातार प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर जाने वाले सभी इलाकों को सील कर दिया गया है दिल्ली में। और ये तस्वीरें देखिए झड़प की, किस तरीके से यहां पुलिस और किसान आपस में भिड़ गए हैं। जहां किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार किसानों पर बल प्रयोग कर रहा है। हर तरीके से किसानों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन जारी है किसानों का। पंजाब हरियाणा के किसान जो फ्लाईओवर पर पूरी तरीके से चक्का जाम किए हुए हैं। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद उग्र प्रदर्शन किसानों का यहां पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन किसानों को पीछे हटाने की, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। चौबीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कितना उग्र ये प्रदर्शन नजर आ रहा है। जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन किसानों ने सभी इंतजाम को फेल कर दिया। और ये तस्वीरें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के अंदर कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। जिन कानूनों को किसानों के हित में बताया जा रहा था सरकार के द्वारा, जिन कानूनों को लेकर सरकार कह रही थी कि ये कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आएंगे, वो कृषि कानून आज किसानों के जीवन में क्रांति ले आए हैं। और यही वजह है कि आज किसान क्रांति करने के लिए मजबूर हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। किसान सड़कों पर हैं देश के, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से किसान यहां पहुंचे हैं। दिल्ली चलो का नारा लगाया था किसानों ने, कल ही से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली कूच किया किसानों ने, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी। पीएससी जवान तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, भारी फोर्स तैनात है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डटे हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। मेरठ से हमारे सहयोगी लोकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। लोकेश, मेरठ में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? खास तौर पर अगर बॉर्डर की बात की जाए तो कितनी चौकसी नजर आ रही है? किसान किस तरीके से यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
कार्यक्रम मौजूद है मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे पर। यहाँ देखिए जो ये हाईवे है यहाँ पर किसान धरने पर बैठे लगातार जो किसान यहाँ पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, किसान धरने पर यहाँ पर बैठे हुए और उत्ता लेकर, क्योंकि उत्ता किसानों का सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको को लेकर यहाँ जो गुरुद्वारा है उसका भी किसान यहाँ जो पूरा हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है, खंभे लगा दिए गए हैं और गाड़ियां लगा दी गई है और देखिए ट्रैक्टर किस तरीके से लगाया जा रहा है, ट्रैक्टर से भी इस हाईवे जाम करने की कोशिश की है। अगर पुलिस की बात करूँ तो पुलिस यहाँ पर छावनी में कर दिया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए पुलिस ने ये रूट कट कर दिया है और सभी को दुराना से होते हुए निकाल दिया है। और यहाँ जो किसान है आदित्य, मैं किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर वो कब तक इस हाईवे पर बैठेंगे और कब तक इस जो सत्ता है उसको जान करेंगे। क्या नाम है आपका? देश भर में आंदोलन चल रहा है, ये किसान भाइयों को बिल्कुल किसान यूनियन के लोग हैं और ये जिला है अदिति जिनका ये छोड़ रही है, यानी कि राकेश टिकैत जब तक नहीं तब तक ये उठेंगे। राकेश टिकैत टिकोली में बैठे अपने साथियों के साथ, साथी किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार का जो ये बिल पास हुआ था, जो विधेयक बनाया कृषि विधेयक, उसके खिलाफ लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस जो छोड़ गए हैं, उसी के विरोध में अब किसान आर पार की बात कर रहे हैं। बनाए रखिएगा, हालातों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बागपत में भी किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। सचिन त्यागी हमारे सहयोगी बागपत से फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। सचिन, क्या कुछ तस्वीरें अब बागपत से सामने आ रही हैं? लगातार पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रहा था, अलर्ट नजर आ रहा था किसानों के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं। बागपत में क्या कुछ हालात हैं? देखिए अदिति, बागपत में भी किसान जो है हाईवे पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से वो चल रही हैं, पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता हो चुकी है, किसान अपना विरोध दर्ज कराकर धरने पर बैठे हुए हैं और कानून व्यवस्था को भी किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अभी शांति व्यवस्था यहां पर बनी हुई है। किसान भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं और पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है। हालांकि यहां पर किसानों की जो संख्या है वो भले ही कम हो, लेकिन इनका विरोध वही है कि किसान जो बिल पेश किया गया है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं और उन खामियों को दूर किया जाए और जो किसानों पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।